हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। और आज है 5 अप्रैल। और मैं अभी जो ना 4:30 बजे स्कूल से पहुंची हूँ। बस अभी रिसेंटली पहुंची हूँ। मैंने जो है बस कपड़े ही चेंज करे, और आप देखिए अनन्या के कपड़े अभी चेंज करने को है। अनन्या को मैंने जो है ये ड्रेस लाई हुई है, और इसकी ना खांसी अभी तक भी जो है बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। मतलब कि कुछ हद तक ठीक हुई है, बट ऐसी है। हाँ, ये अभी टाई खोल रही है। अच्छा, मैं और सारे खेत गए हुए हैं। अभी तक 5 बजने वाले हैं, और मुझे शाम की तैयारी भी करनी है। बस अब मैं क्या करूंगी, फटाफट से सबसे पहले इसकी ड्रेस मैं चेंज करवा देती हूँ इसको, और उसके बाद मैं जो है शाम के लिए दाल लगाऊंगी, और सबको पानी गर्म करना है, और बहुत सारे काम है। चलो ठीक है, बता भी नहीं सकते इतने ज्यादा काम है, क्या ही बोले हम। तब तुझे थोड़ी ना मम्मा को है, मतलब मुझे तो होमवर्क का काम है ना मम्मा। तो आप लर्न करना मम्मा उतने में। मुझे अकेले लर्न करने को नहीं आता। तो अकेले लर्न बेटा मम्मा को। टाई खोल दिया हमने। अच्छा रुको, इसको मैं तो गाइस इधर मम्मा अभी कुछ ढूंढ रहे, क्या बोलते हैं मम्मा उसे। तो मम्मा ने पता नहीं नए कपड़े क्यों नहीं लाए, ये भी नया है, पैंट ले आई है, और ले आई ये जो भी बोलते हैं इसको, नाइट सूट जैसा है। क्या हो रही है, नया है? नया ही तो है मम्मा, सब कुछ सब नया है बेटा। फिर ये छोटे हो जाएंगे फिर आप। सॉरी वो गलती से गिर गया। तो ये है हमारी नई सीटिंग। मम्मा मैं कैमरे के ऊपर फोकस करती हूँ, मेरी नजर कैमरे में कहीं और ही दिखा दे रही है। यहाँ होता कैमरा, यहाँ पर करते है, किसी को पता है। तो यहाँ पर पहले अब मैं जो है अनन्या की ड्रेस जो है चेंज कर देती हूँ। चेंज कर दिए हैं, और अब मैं जो है इनको डाल दूंगी, मशीन में डाल के रखूंगी। क्या हो गया था इसमें, और अच्छा कुछ। अब मैं इसको जो है ना मशीन में डाल के रखती हूँ, बिकॉज कल जो है दूसरी ड्रेस है, और फिर ये धुल जाएंगे। और यहाँ से ही रख देती हूँ, और यहाँ पर मैं पहले जो है इसे ऑन कर देती हूँ, और हमाम भी जलाना है, बिकॉज आज भी नहाने वाले जो है 5 है। और अभी मैं स्कूल से जैसे ही आई हूँ ना, मैंने बिल्कुल भी ना मेकअप उतारा है, और ना ही मतलब कि जो भी काम रहता है
वो किया है बस, मैं अभी रिसेंटली आई हूँ और मैंने ना अभी तक चाय भी नहीं पी है, बनाई भी नहीं, अब मैं तभी पीऊँगी और बनाऊँगी जब सारे आएंगे क्योंकि उनके लिए भी बनानी है। तो मैं जो है सबसे पहले क्या करती हूँ, अब बच चुके हैं 5:05 रहे हैं। हाँ आप रिबन उतार दो ना, छोड़ छोड़ गया। अच्छा लो इसको पकड़ो। अनन्या ने जो अपने रिबन निकाल दिए थे और उस वजह से जो है इसकी मेरी रबड़ भी निकल गई थी और इतना दूसरा वाला ला रही हूं। इसको वैसे ही रखना ठीक है, मॉर्निंग में तो वैसे भी जो है नहा दूधों से निकाले आपने, नहाना होता है तो बाल जो है ठीक हो जाते हैं। रिबन तो दोनों में पहनते हैं ना। इस ताली डालूंगी, फिर मुझे जो है सब्जी भी काटनी है, पर सब्जी मैं शाम को काटूंगी, कल सुबह बनाऊंगी मैं सब्जी। मॉर्निंग में तो मैं जो है दाल पहले डाल देती हूँ, फिर आपसे जो है मिलती हूँ तो दाल डाल देती हूँ पहले। बुआ जी वगैरह जो है मतलब खेत से आ रहे हैं, तो अनन्या ना अभी जा चुकी है कि मुझे जो बुआ वगैरह के पास जाना है। तो ये देखिए मैंने दाल चढ़ा दी और मैं चढ़ा देती हूँ, अब जो है सारे लोग आ रहे हैं तो मैं उनके लिए बना दूंगी चाय। मैं पहले यहाँ पे तो यहाँ पर मैं जो है दाल कुकर में डाल रही हूँ, आज मैंने बनाई है मिक्स दाल ही, बिकॉज 5 बज चुके हैं और ज़्यादा टाइम नहीं है तो मिक्स दाल फट से पक जाती है, इसीलिए उतने में जो है मेरे जो परिवार वाले हैं वो भी आ चुके हैं, तो एक जो है नहाने गए हैं, कोई नहा रहे हैं, मतलब पानी गर्म ऑलमोस्ट जो 2 आदमी को भी हो चुका था क्योंकि मैंने जो है गीजर के साथ साथ हमाम में भी पानी गर्म करने को लगाया था। साथ में अब जो है मैं फटाफट से पहले चाय बना लेती हूँ, बिकॉज चाय की डिमांड सबसे पहले रहती है और साथ में भी मेरे हस्बैंड को दोबारा से खेत जाना है, तो वो जो है जोर से चला रहे हैं कि चाय बना दे। पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ, फिर बाकी काम जो है मैं बाद में करती हूँ। तो जितने भी चाय बनती है मैंने साथ में जो है नल के नीचे बाल्टी भी लगाई हुई है, बिकॉज आग जलानी होती है चूल्हे में, तो उसके ऊपर का जो बर्तन है उसमें पानी नहीं था, तो इसीलिए तो मैं फटाफट से इसमें जो है चीनी और चाय पत्ती जो है ऐड कर देती हूँ, बिकॉज इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बनानी है, काफ़ी ज़्यादा आदमी मतलब 7-8 आदमी को जो है चाय बनानी है, तो इसीलिए जो है चीनी चाय पत्ती की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा जो है रहती है। तो इतने में जो है पानी भर गया था, तो एक हाथ से मैंने जो है पानी को मतलब नल को बंद कर दिया और अब मैं लग चुकी हूँ दोबारा से अपने काम में, बिकॉज मुझे ऐसा ही रहता है अब फटाफट मुझे जो है सारा काम कंप्लीट करना होता है, बिकॉज मैं जितना जल्दी अपना काम कंप्लीट कर दूँगी उतना ज़्यादा टाइम मैं अनन्या को पढ़ाने के लिए भी जो है लगा पाऊँगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अनन्या जो है ना वो किसी के पास भी पढ़ती नहीं है उतना ज़्यादा, मतलब उसको मेरी ही आदत है पहले से ही, शुरू से ही जब से उसने जो है थोड़ा बहुत भी पढ़ना स्टार्ट किया है तो मुझे ही उसका जो है ये सारा का सारा काम जो करना पड़ता है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं और अब जो है मैं कर रही हूँ अदरक को कूट रही हूँ और अदरक इसमें डाल के अदरक से अच्छा स्वाद आता है, अदरक वाली चाय वैसे ही घर में जो है सारे पसंद करते हैं, तो अब मैं इसको अदरक कूट के जो है इसमें डाल दूँगी और बाकी कुछ जो है जितने में ये होता रहेगा उसमें जो है और काम कर लेती हूँ साथ साथ में, बस मेरा ऐसा ही रहता है कि जल्दी जल्दी बस सारा काम एक साथ ही करना चाहती है। तो उनमें मैं जो है यहाँ पर मैंने प्रेशर में जो है दाल को चढ़ा दिया है मतलब डाल दिया है और अब मैं जो है इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी और ऑयल जो है ऐड कर दूँगी, बिकॉज हल्दी डालने से ये होता ना कि जो दाल होती है वो थोड़ा जल्दी जो है पक जाती है, मतलब थोड़ा लेट नहीं लगता है। एक जगह से लगा दी है चाय और एक जगह जो है अब मैं गैस पे चढ़ा दूंगी दाल ताकि जल्दी से पक जाए। तो हियर वी गो, तो जितने में चाय बनती है अनन्या के पापा अनन्या को जो है साइकिल चलाना सिखा रहे थे। तो देख रहा है वो उधर से घुसे की नीचे ही आ रहे। अरे चल उधर कहाँ जा रही है? चला रही हूँ। चलानी आती है नहीं है?
वाह यार। तो अब जो है मेरी दाल भी पक चुकी है और जो है टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं। तो मैं फटाफट से जो है अब अपनी दाल बना देती हूँ, मतलब कि दाल में तड़का लगा देती हूँ, और साथ ही साथ मुझे जो है और भी बहुत सारे काम जो है निपटाने होते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने जो एक बड़ा बर्तन लिया है, इसमें जो है मैं दूध भी जो है डाल रही हूँ, मतलब कि घर पर फरमाइश की पनीर की। तो थोड़ा कुछ दूध जो है मैंने फ्रिज में रखा हुआ था 2-3 दिन का इकट्ठा करके, बिकॉज इतना दूध नहीं होता है कि एक साथ जो है इतना सारा पनीर बनाया जा सके। तो इसीलिए क्योंकि हमारी बड़ी फैमिली है तो ज़्यादा पनीर लगता है, इसीलिए जो है ये 2-3 दिन का दूध जो है इकट्ठा करके रखना पड़ता है। तो यहाँ देखिए पर बर्तन में मैंने जो है डाल दिया था दूध, और कुछ दूध भी है जो गाय दूने चाहूँगी, उसके बाद जो दूध बचेगा कुछ दूध जो है उससे डाल दिया जाएगा, फिर काफ़ी मात्रा में जो बन जाती है। अब मैं जो है फटाफट से कर रही हूँ ये काम, मुझे फटाफट ही सारे काम जो है निपटाने होते हैं, आप देख सकते हो। बर्तन आप देख सकते हो धो लिए है, यहाँ पर दूध पनीर के लिए चढ़ा दिया है, और यहाँ पर दाल तड़क दी है जो अभी बॉयल होने को, मतलब कि प्रॉपरली जो है बॉयल नहीं हुई है, जब बॉयल हो जाएगी तो इसको बंद कर दिया, मतलब बर्तन कर दूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ गाय के पास, 6:30 हो चुके, तो सबसे पहले मैं गाय धुल लेती हूँ, फिर रहेगा सिर्फ मेरा चपाती बनाना और जो है पनीर बनाना। तो अब बज चुके हैं 6:30, ऑलमोस्ट जो है सारा काम हो चुका है। अभी मैं आ चुकी हूँ अब जो है गाय के पास गाय धुलने, तो मैं गाय का काम कर लेती हूँ। अभी उनको पानी भी देना होता है और तो काफ़ी टाइम लग जाता है, बस अब मुझे जो है इसके बाद सिर्फ चावल चढ़ाने और चपातियाँ बनानी है, और फिर उसके बाद मुझे अनन्या को पढ़ाना है, और फिर बस इतना ही रहता है, मतलब कि आफ्टर स्कूल जब मैं स्कूल से घर पहुंचती हूँ बस मुझे ये सब जो है काम करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है आपको यहाँ से देखिए व्यू देखिए आप कितना सुंदर है ये देखिए, तो यहाँ से आगे जो है खूबसूरत सा व्यू देखिए, और इसी व्यू के साथ जो है आज का व्लॉग मैं समाप्त करती हूँ। होप आपको पसंद आया होगा, तो मेक श्योर की लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो। So